And we are having a lot of from the 5,75,000 crores have been spent by this NABARD, and also the amount has to be increased in the future also. But the administrative point of view, have told that some offices are closed there in some area. But even then, the regional offices and all these local banks are now, they are developed in many ways. The NABARD is helping our country in many ways for the development. गोविंदा जी, सरकार कह रही है कि हालांकि ये कहें कि नाबार्ड ये कह रहा है कि ऐसे कई जिले हैं देश भर में जहां पर अब शायद उस जिले में जो ऑफिस हुआ करता था अभी तक नाबार्ड का, उस ऑफिस की जरूरत नहीं है, तो उस ऑफिस को बंद कर दिया जाए, जिसका कारण ये है कि उस जिले में जो लक्ष्य था नाबार्ड का वो पूरा हो चुका है, ग्रामीण विकास और कृषि विकास दोनों के लिए अब वहां पर पर्याप्त, वहां पर विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, शायद अब और क्रेडिट की या नाबार्ड के, नाबार्ड जैसी संस्था की जो और पैसा उपलब्ध करा सके ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए, उन जिलों में अब जरूरत नहीं है। तो कई जगह ऑफिस बंद किए जा रहे हैं, कई नई जगह ऑफिस खोले जा रहे हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव फिर से एक बार जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में क्या हाल है, वहां नाबार्ड की कितनी जरूरत है कितनी नहीं? जी, हम ग्रामीण अंचलों से आते हैं जैसा हमने पहले बताया जी, और आज भी अभी आवश्यकता है कृषि में सुधार की, नाबार्ड की मदद की। और जो ये कह रहे हैं कि अब जरूरत नहीं रह गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो गांव में रहने वाला व्यक्ति अभी आज भी वो कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा है, अभी आज भी वो उसको वर्तमान सुविधाओं से वो वंचित है। जो नाबार्ड की मदद की जरूरत चाहिए, उसे आज भी अभी आवश्यकता है। अगर उनके ऐसे सर्वे मिले हैं तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, उन्हें फिर से सर्वे कराना चाहिए और जमीनी हकीकत की जानकारी की चंद करनी चाहिए। तो अभी गांव में रहने वाला व्यक्ति ही गांव के विकास की, गांव के घटनाओं की, गांव की समस्याओं से वो अवगत है। शहर में एसी में रहने वाला व्यक्ति वो वहां बैठ के जो व्यवस्था देता है उसको हकीकत की जानकारी नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव की समस्याओं से अवगत है। आज वहां पेयजल की समस्या, आज सड़कों की समस्या, आज हेल्थ की समस्या है, आज वहां खेती में यंत्रों की उनको सही समय पर खाद बीज कृषि यंत्र नहीं मिल पा रहे हैं। और बैंकों से अगर वो चाहते भी हैं तो उनको लोन लेने में कठिनाई होती है, बिचौलियों की जरूरत पड़ती है, औने पौने पर उनको लोन दिए जाते हैं, उसमें उनसे वसूली की जाती है। ये सब दिक्कतें नाबार्ड से नहीं झेलनी पड़ती हैं किसानों को? नाबार्ड ने जो सुविधाएं दे रखी हैं, जो मिलनी चाहिए वो अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई नहीं है। मिल रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसे जनपदों में, मतलब जहाँ जहाँ अभी नाबार्ड की शाखाएं हैं मौजूदा रूप में चलती रहनी चाहिए, पर क्या वो भी सही रूप से काम कर रही है? वहाँ काम ठीक से हो रहा है? किसानों को सहूलियत मिल पाती है? जो उनके भी कार्य पद्धति है उसमें भी उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। कि गांव में रहने वाला वो निचले स्तर का, निचले पावदान में रहने वाला व्यक्ति उन सुविधाओं से वंचित है, उन सुविधाओं से वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि वो परिपूर्ण हो चुका है, उसमें जरूरत नहीं रह गई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज भी उनके सहयोग की आवश्यकता है नाबार्ड की, आज भी गांव में उनके विकास की जरूरत है, उन संस्थाओं को बंद न करके अभी चलते रहने की आवश्यकता है। ओके, पूनम जी, व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज दैट नाबार्ड ऑफिसेज विल बी शट डाउन इन एरियाज वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इंडेक्स इज हायर? दिस इज बीइंग डन एज पार्ट ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग। ऑफकोर्स सम न्यू ऑफिसेज विल बी ओपन, बट डू यू थिंक दीज एरियाज आर नो लॉन्गर बैकवर्ड एंड हैव अचीव दोज टारगेट्स दैट वर सेट फॉर देम? एग्जैक्ट, यू नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज whatever the report they are saying that we have surveyed and all, and I was really surprised to read what you had given me a paper to read. In that they have written ke where now there is no need for the office, even there we are closing, and we are even closing offices in some naxal affected areas, and this type of report they have given. Really surprised, you know. अगर इंडिया की बात करें तो एक कृषि प्रधान देश है, और सालों से हमारा इतिहास अगर हम देखें तो ये फार्मिंग के ऊपर ही ज्यादा करके हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, 80% लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जहां तक मैं नाबार्ड की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको ज्यादा ऑफिस खोलनी चाहिए, उसकी जगह पर वो बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल गोरखनाथ जी इससे सहमत हूं कि परफॉर्मेंस अच्छा हो या बुरा बात वो नहीं है,
लेकिन एक जगह पर आप ऑफिस क्यों बंद करना चाहते हो, मतलब उस इलाके के पूरे फार्मर्स के साथ आपका जो असेसमेंट रहा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर मैं कच्छ की बात करूं तो 400 किलोमीटर का मैंने आपको बताया मेरा इलाका है, उसमें एक ही नबार्ड की ऑफिस है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो 15 डिस्ट्रिक्ट में कहीं कच्छ तो है या नहीं। दैट इज रियली इट इज लाइक कंसर्निंग कि कहीं अगर कोई ऑफिस है तो उसका उपयोग वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं बात हो नहीं है, लेकिन लोगों को उसका उपयोग करने का मौका तो मिल रहा है। बट हाउ आर यू लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द नाबार्ड ब्रांच इन योर एरिया, हैज इट बीन एबल टू अचीव द पर्पस दैट वाज इंटेंडेड? इनफैक्ट यू नो ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो गुजरात इज वर्किंग क्वाइट वेल। हमारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एग्रीकल्चर को बहुत प्राधान्य दिया है, और अगर आप देखें दूसरे राज्यों से हमारा ग्रोथ भी दो डिजिट में है, 11 जैसी दर है हमारी एग्रीकल्चर की, गुजरात की ही बात करूं तो। और जो प्रदेश जहां से मैं आती हूं कच्छ, वो तो एक डेजर्ट था अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए तो, वहां कुछ नहीं, कोई उपज नहीं थी, लेकिन आज वो देखें तो बागायती खेती में भी वो नंबर वन पर आ गया है। अनार ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। तो मुझे लगता है कि नबार्ड का वहां अगर कच्छ में कामगिरी देखें तो अच्छी है, और गुजरात गवर्नमेंट की नजर भी है उन पर कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। गुरुनाथ जी, नाबार्ड के शाखाएं बचाने के अलावा किसानों को सही समय पर पर्याप्त लोन मिल सके और जितनी भी उनको धनराशि की जरूरत होती है खाद्यान्नों के लिए और तरह के इम्प्लीमेंट्स के लिए ये मिल सके, इसके लिए और क्या उपाय किए जाने चाहिए? सदन में भी इस बात को हम उठाए थे, वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किए थे कि जो बैंक के माध्यम से लोन मिलते हैं गांव में किसानों को, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे बागवानी हो या कृषि यंत्र हो, वो लोन उनके ब्रांच से लेने में उन्हें बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। इतना कठिन मतलब उसमें समस्या आती है कि कुछ तो थक हार करके घर बैठ जाते हैं, और ब्रांच मैनेजर का बिहेव उनके साथ अच्छा नहीं होता, वो बिचौलियों के माध्यम से ही उनको लोनिंग की व्यवस्था मिल पाती है। मतलब वो सिस्टम बहुत पेचीदा है, पेचीदा भी है, और गांव का सामान्य व्यक्ति, निरीह व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, अपर व्यक्ति, वहां तक उस सुविधा लेने में उसे अनेक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। इसका क्या समाधान है? उसका वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लेते हुए हमने कहा था कि आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दीजिए, उनको उनकी मॉनिटरिंग कराइए, या जो क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ उनकी बैठकें हो, जानकारी में हो कि हमारे क्षेत्र से आपके बैंक एरिया से कितनी एप्लीकेशन आई, कितने लोगों को आपने स्वीकार किया, कितने को आपने कैंसिल किया, यदि कैंसिल किया तो क्यों किया, और यदि किया तो उसकी भी जानकारी दो उस किसान को, उस लाभार्थी को, उस व्यक्ति को जो आपसे लोन चाहता है, विकास के लिए आपके पास गया है, मदद के लिए गया है, तो आप नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको पता तो चले कि हमारी फाइल में क्या कमी है, हम कैसे उसको ठीक करें, उसका टाइम बाउंड तो करें। लेकिन ये कठिनाइयां हैं क्योंकि गांव में विकास के लिए बैंक का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही साहूकारी प्रथा समाप्त ही होनी भी चाहिए, वो बैंक वो व्यक्तिगत कर्जे के ऋण से वो डूबे रहते थे, आज बैंक ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे लघु हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, कुटीर उद्योग हो, किसी को भी उठाने, चाहे पशुपालन हो, चाहे बागवानी हो, वो सुविधा दे सकते हैं। लेकिन ये कठिनाइयां हैं, इन्हें दूर करने के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और मेरा सुझाव रहा है कि अब बैंक में ब्रांच मैनेजर या अधिकारियों के साथ 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कराएं और जानकारी लें कि किन कारणों से उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, यदि उनकी फाइल कैंसिल हो रही है तो उनको जानकारी दी जाए, उसे फिर से उनकी रिसेटलिंग की जाए, उनसे फिर से उसको ठीक करने के लिए उनको बुलाया जाए। ऑलराइट मिस्टर रामासुबु, व्हाट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू एड्रेस ऑल ऑफ दीस प्रॉब्लम्स दैट फार्मर्स फेस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग क्रेडिट लोन? Farmers in our countries, but particularly small and marginal farmers, yes, they have to depend on money lenders, yeah, when they need loan or when they need credit. What are the problems that the farmers are facing, and what is the government doing to address these issues? It's a very important problem. That's the farmers are facing this problem in local, but nowadays this both the NABARD and our banks are helping these people. So the priority sector, this agriculture, is very important. The people in the village level is facing this problem.
is nowadays most of the rural branches are opened. Reserve Bank also is insisted to open the new branches because to put an end to this rural debtness, facing this problem of the agriculture people, they are giving more loan and assistance through these new branches. Our Reserve Bank has ordered to open new branches. In fact, the government has also to be able to boost credit to farm sector. The government has decided to infuse 500 crore rupees to NABARD in this particular year, in 2012-13. Do you think it will be able to help NABARD to extend its facilities? Yeah, surely. That if it is extended, that this NABARD is going to help these poor people in that area. It is assisting the bankers also. It is giving this money through the nowadays that you can see this the SCST families are giving more loans for these agriculture instruments. The loans are lending to these people with more subsidy. These are also subsidies are encouraged by our government to give the loans to the poor farmers. Implementations of these new modern machineries in the rural areas also. That to these 500 crores now we are telling that this is very helpful. It is going to help the poor farmers surely, and it is going to develop these rural people, and also it will be easy helpful to reduce the indebtedness. चलिए तो साफ है कि एक बहुत बड़ी भूमिका है नाबार्ड की. जहां तक किसानों की समस्या के बारे में सवाल है, किसानों की इंडेबटनेस के बारे में सवाल है, देश भर से आज भी खबरें आती हैं किसानों की आत्महत्या की, जो कर्ज के तले दबकर किसानों को जो आत्महत्या करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति से उन्हें बाहर निकालने के लिए नाबार्ड जैसे संस्थानों की बहुत ही अहम भूमिका है, आज भी शायद पहले से कहीं और ज्यादा. फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जब वापस आएंगे चर्चा जारी रहेगी. जुड़ रही है एजेंडा से. Welcome back to Agenda. A discussion under Rule 193 is likely to take place today on the situation arising out of faulty procurement of food grains and inadequate storage space for food grains in our country. Remember, we are looking at a record harvest this year, but for the third consecutive year, it seems there is simply no space for storage. Mr. Ramasubbu, coming to you again. We are looking at a record harvest of food grains thanks to a record production of wheat and rice. We are also looking at bumper harvests of cash crops like cotton and sugar cane, but it seems there is no space to store these food grains. We are looking at a problem of plenty here. How are we going to address this problem? Yes, ma'am, it is a very important problem because the warehousing facilities are needed. Government has procured these food grains
in larger amount during the bumper crop season. And commonly, yes, almost all the now this warehousing and Food Corporation of India and all the department are helping to procure these food grains and preserve it. Our government is insisting this one, and at the same time, so the facilities are now in the crop production is high nowadays, more than expectations. We have achieved the target. But what are you going to ensure that there is no repeat of last year when food grains was lying in the open and rotting away? So in some places it is rotten away because it is put up in this outside and the warehouse facilities are available. Now our government has steps, various steps to improve these facilities, and also the private purchasing also encouraged to this because it is very difficult sometimes it will be raised, the price will be raised. Then these people, if it is allowed to these open markets, they will give only lesser amount to these people. But our government has fixed price, supporting minimum support price was fixed there. That is the reason that when we are giving support price, the agriculture people should have to get the benefit. Then only the agriculture people will be supported. So warehouse facilities should have to be improved. In that circumstances, our minister, our finance minister, and our agriculture minister told that it can be some private people can purchase, but there should not be any below the price. The minimum support price should be given to the people. The private stockpilings of these भंडारण की समस्या वैसे की वैसी बनी हुई है. गोरखनाथ जी, बड़ी ऐसा लगता है बड़ी विषम परिस्थिति की तरफ हम देख रहे हैं, बल्कि एक तरह से एक विडंबना है कि जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का सवाल है, ये 60 साल के हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस बार, जिस तरह का हमारा उत्पादन होना चाहिए, जिसकी उम्मीद है. कहां तो हमें खुशियां मनानी चाहिए, इस बात की पर हम खुशी मना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे फूड मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 62 मिलियन टन की है, जबकि हमारे पास इस साल के अंत तक जो हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा खाद्यान्न, वो कम से कम 75 मिलियन टन होगा. तो 10 मिलियन या 12 मिलियन टन का शॉर्टफॉल तो वैसे भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो होगा, जो लाया जाएगा एफसीआई के गोडाउन तक, उसका क्या होगा, इसका भी कोई भविष्य निश्चित नहीं है. क्या किस तरह के समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है? जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कृषि प्रधान देश होते हुए जहां हम एक तरफ भुखमरी की स्थिति देख रहे हैं और एक तरफ भंडारण की स्थिति समस्या देख रहे हैं जी. हम गांव से आते हैं, हमें अनुभव है कि जब किसान खेती के लिए उसे खाद चाहिए कठिनाई, बीज चाहिए कठिनाई, सिंचाई चाहिए बिजली नहीं, कृषि यंत्र चाहिए लोन नहीं, किसी तरह से वो व्यवस्था करके अपनी उपज तैयार करता है. फिर वो जब भंडारण के लिए लेके जाना चाहता है तो बोरे नहीं, उसके खरीद के लिए व्यवस्था नहीं, फिर वो किसी तरह से लेके जाएगा तो उसका आसमान इंद्रदेव नाराज हुए, पानी बरसा तो उसका वहां प्रॉब्लम शुरू हुई. और इस वर्ष ही नहीं, इसके पहले भी जब इतना उत्पादन नहीं हुआ था देश में, पिछले साल भी इसके लिए हायतोबा बचा था भंडारण के लिए. राजनाथ सिंह जी गए कहीं जा करके, वो ला करके दिखाए थे सड़ा हुआ गेहूं, और ये बात भी उठी कि एक लगता है कि जानबूझकर सरकार गेहूं को सड़ा करके और कुछ जो ये शराब जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा भी कि आप गोदानों में सड़ा रहे हैं, इससे बेहतर है बांट दीजिए. तो जहां हम तमाम हमारी आबादी जो गरीब है, निरीह है, गांव में रहती है, जिसको एक टाइम ही भोजन का मुयस्सर है, वहां वो तो गरीबी रेखा के नीचे की उम्मीद लगाए सरकार से बैठे हैं. और दूसरी तरफ हमारा करोड़ों टन अनाज खुले आसमान में सड़ रहा है. जब ये स्टोरेज की बात आती है तो ये बात अभी की नहीं आई, आज आई, हमारा उत्पादन बढ़ा, हमने स्टोरेज की चर्चा शुरू की, आज की बात नहीं, ये पहले पिछले साल उसके पहले से भी. तो क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं लाएगी? यदि नहीं लाएगी तो वो हल्ला ये मस्ता रहेगा. पूनम जी, एफर्ट्स आर ऑन टू एनहांस स्टोरेज कैपेसिटी, येट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स नो दैट दीज मेजर्स आर नॉट इनफ, विच इज वाई वी सी ब्लेम गेम टेकिंग रूट इवन बिफोर the harvest. But because of this center's, the lack of coordination between center and states, it seems we have lost out
out on a lot of precious time. Of the 150 lakh tons capacity that the government had planned 3 years ago, just 4% of it is ready, only because of bickering between centre and state. In fact, you know, from last 3 years, I'm a member of parliament from 2009, and seeing this same topic is going on every year. Every year the monsoon are nearing and we talk about the capacity, storage capacity, and then we say, okay, we'll do something, we'll do this, we'll do that, all type of promises, but nothing happened. Again, the next year, rainfall are near, and the same problem is arising. I simply don't understand why we don't go for, you know, from last 3 years. 3 years is a long time, you know, you can do many things, and prevention is always better than cure. But why is the central government not understanding? Somewhere I feel, you know, I don't like to make allegations or anybody, but somewhere I feel they enjoy the situation. They're enjoying it, that people are having problems, and you know, it's really very disheartening that farmers are committing suicide. Right. And who will like to be in such a profession? Absolutely. Where you're not gaining anything. Yeah, the farming community is also in distress, but although we're completely out of time, Mr. Ramasubhu, but we know that a record food grain production may be good news for those who are looking at a food security bill, but the space crunch indeed raises the specter of last year, where our food grain was lying in the open, rotting away, where millions of our people went to bed hungry. On that note, it's time for us to wrap up this discussion on Agenda. We'd like to thank all our guests for coming to our studios. It was a pleasure having you here. Well, that's it for now in this edition of Agenda. You can watch live proceedings of Lok Sabha in a short while from now. Thanks for watching. Goodbye. Namaskar.